बच्चों क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर सपोर्ट मटेरियल से कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 70, चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्वेश्चन देख लीजिए, 8^1/3 प्लस 27^1 होल पावर 3 है, गुना में 5, फिर बाहर ब्रैकेट में 1/4 है। तो सॉल्व बच्चों मैंने आपके लिए कर रखा है, समझा देता हूँ आपको। 8 का जो फैक्टर होता है 2^3 बनता है, देख लीजिए 2 × 2 × उसकी पावर 3 कर देंगे, क्योंकि 2 × 3 × 2 है तो पावर 3 लगा देंगे, अगर 4 बार होता तो 4 लगाते, ठीक है। इसी प्रकार 27 जो है उसके 27 के फैक्टर 3 × 3 3 बार होंगे, 3 बार पावर लगा दी, तो लगा के 3 से 3 को काट दिया, 2^1 बचेगी तो 2 ही लिख देते हैं, 3^1 बचेगी 3 ही लिख देंगे, और जो होल पावर इस ब्रैकेट के बाहर है, बाहर वाली ब्रैकेट के बाहर 3 है वो लिख दिया, और 5 ऐसी बाकी 1/4 बाहर ऐसी, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5, 5^3 है ये बच्चों। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है कि ये गुणा में होता है, तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है पॉइंट में, और पावर इसकी कुछ नहीं है, तो पावर जब कुछ नहीं होती तो 1 ही मानते हैं, तो इनकी पावर प्लस हो जाएगी, 4 हो जाएगा, 1 + 3 = 4 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 12 1/4 है, ये बटे में 4 है, ये पावर है, तो ये कट गया, आंसर आएगा पावर 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 होती तो 5, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो ये बराबर ही होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर आप देखिए 71, तो 25^3/2 इंटू में 243^3/5 डिवाइड बाय 16^5/4 इंटू में 8^4/3। क्वेश्चन है तो देख लीजिए, तो 5 पे तो लिख देंगे 25 को लिख देंगे 5^2 बाहर 3/3 गुना में 243 जो होता है बच्चों, ये होता है, ध्यान से देखोगे, 5 बार 3 गुना में होगा तो 3^5 हो जाएगी। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 243 की जगह पे 3^5 कर दिया, बाहर 3/5 है तो 3/5, 5 से 5 काट दिया, यहाँ पे 202 काट दिया, ठीक है। नीचे भी ऐसे 16 है, 16 का हो जाएगा, 16 के 2 × 2 × 2 फैक्टर होते हैं, 2^4 हो गया, ठीक है। 8 के हम पहले भी कर चुके, 2^3 होगा, तो 4 से 4 कट गया, 2^5 बचेगा नीचे, यहाँ पे भी 3 से 3 कट गया तो 2^4, 3 से 3 ऐसे कटा है क्योंकि ये 3 बटे में है, ये ऊपर है, ऐसे है ये, ध्यान से देखोगे तो ऐसे हो जाएगा ये, इसलिए कट गया, ऐसे ये भी सारे ऐसे कटे हैं इसलिए। तो 2^5 हो गया, यहाँ 2^4 हो गया, 2^5 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 32 आएगा, यहाँ 16 आएगा, इनको गुणा करके 512 आएगा। 5^3 को अगर हम 5 बार गुणा करें, 3 बार 5 को 3 बार गुणा में लिख देंगे ऐसे करके, तो 125 आंसर आएगा। 3^3 यहाँ पे 3^3 है तो बच्चों यहाँ 27 आएगा, ठीक है। और जो यहाँ जो आंसर है ये नहीं होगा, तो आंसर कुछ और होगा, बताता हूँ मैं क्या होगा। 27 125 कितना था, 1125 आया था, उसको 3 से गुना और कर दो, 3 × 5 = 15, फिर ऐसे लिख 3 × 2 = 7, 3 × 1 = 3, तो 3375 आंसर होगा बच्चों, ठीक है, मिस्टेक के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 72 है। 72 में आप देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, 5^2x-1 माइनस में 25x-1 बराबर में 2500। तो बच्चों देखिए ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 को लिख देंगे 5^2 और ये 2 इनसे गुना हो जाएगा, 2x-2। तो अब ध्यान से देखिए ये ऐसे है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस वन है तो 5^-1 गुणा करेंगे, मतलब गुणा में तो पावर फिर से प्लस हो जाएंगी, प्लस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, सेम ऐसे ही, जिस प्रकार से आपने सीखा भी होगा कि 5^3 = 5^2 लिखा होगा तो पावर प्लस हो जाती है, तो 5^5 हो जाती है ऐसे ही बच्चों। अब 5^3 है, 2 है, 5^-2 है तो भी प्लस ही होगा, लेकिन साइन तो माइनस प्लस लगाएंगे हम यहाँ पर, और साइन -2 लगाएंगे क्योंकि ये माइनस में भी यहाँ पर है, तो 3 + −− होता है, तो 3 − 2 हो जाएगा और 5^1 हो जाएगी, क्योंकि प्लस तो हुआ है लेकिन फिर भी प्लस माइनस होके वो माइनस बन गया, इसलिए यहाँ भी यही हुआ, ठीक है। तो अलग अलग कर दिया यहाँ पे, इसको हम 5^-2 कर दिया। अब ये माइनस में तो मैंने बताया था कि ऐसा होता है, तो उसको बटे में ले लेते हैं, बटे में आ गया, ये भी डिवाइड में आ गया, बटा मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। 5 का 25 हो गया, 5^2 से कॉमन बाहर निकाल लिया, और इसका हमने एलसीएम लिया 25, 5^25 5 पे आता तो 5 लिख दिया, 25^25 1 पे आता तो ऊपर 1 से गुना करके 1 लिख दिया, 4/25, 25 यहाँ इक्वल के इस तरफ डिवाइड में है तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर है तो डिवाइड इक्वल के इस तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चों, सिंपल से मैथड है, अगर आप देखो तो बच्चों को समझ नहीं आता, अगर उसको हर अंश करके समझाएंगे तो ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई इक्वल के इस तरफ जाती है तो डिवाइड में आ जाती है, नीचे आ गई, और नीचे वाली वैल्यू इक्वल के सब जाती है तो ऊपर ले जाती है, ये याद रखना,
चार को ऐसे भाग करेंगे, 25 अलग रख देंगे, 100, ये 100 वैल्यू है तो 25 100 है ये, जैसे ऐसे कर लेंगे इसको, 25 गुना में 100 गुना में 25, तो नीचे चार है, इसको भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा, तो 25 गुना 25 25 आ गया, तो मतलब कि इसके सब गुना करेंगे तो 5 की बार 6 हो जाएंगे, क्योंकि ये 6 बार 5 है, यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे भी 5 दो बार है, यहाँ भी 5 दो बार है, यहाँ भी 5 दो बार है, तो 6 बार हो गया, 2x गुना में 6 सॉल्व कर देंगे इसको, 3 आ गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 73। देखिए 73 को सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है, इसको पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको देखो सर बच्चों सिंपल तरीके से करता हूँ, 0.6 है तो बटे में 10 लग जाएगा, 0 लगा दें क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर, यहाँ पे 12 है तो बच्चों जब 12 होता है तो नीचे 9 लगाते हैं, पॉइंट हटाया नीचे 9 लगाया, यहाँ 12 नहीं था 10 लगाया, यहाँ पे 0 लगाई। ठीक है, यहाँ इस वाले को क्या बच्चों 12 एक पे है तो एक पे 12 एक बार 9 लगाया, एक पे 12 नहीं तो 0 लगाया, जैसे यहाँ पे 12 नहीं था तो 0 लगाया था, यहाँ 12 था 9 लगाया था, तो दो वैल्यू है, दो वैल्यू में एक के लिए 9 एक के लिए 0, तो 90 बन जाएगा। और घटाना क्या है बच्चों, जो जिस पे 12 नहीं है वो वैल्यू घटानी होती है, तो 43/90 हो गया, इनका एलसीएम लिया 90 आया, फिर बाकी सॉल्व करके आप देख सकते हो, तो आता होगा बच्चों सॉल्व करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73 हो गया, 74 देखिए, हर का परिमेयकरण कीजिए, तो देखते हैं इसको, तो बच्चों मैंने क्या करा, इसमें ग्रुप कर लिया, रूट तीन और रूट पाँच को इकट्ठा रखा, रूट सात को अलग कर दिया, तो इसका परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो प्लस है यहाँ पे, तो ऊपर नीचे माइनस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों देखो रूट थ्री प्लस रूट फाइव की मल्टीप्लाई रूट थ्री से करी, तो आप सिंपल देख दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, लिख के दिखा देता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, तो वही कर दिया। अब इसका ये, अब ये भी एक फॉर्मूला बन चुका है, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो बच्चों वहीं लगा दिया, देखो रूट तीन का स्क्वायर तीन बन गया, रूट पाँच का स्क्वायर पाँच बन गया, 2ab होता है 2 रूट थ्री इंटू में रूट फाइव, रूट सात से स्क्वायर कट जाता है, कैंसिल आउट होता है, रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होता है, तो सात बचेगा, ये तीन और पाँच आठ होते हैं, आठ में से सात घटाया एक बच गया, तो ये इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, तो दो रूट पंद्रह बन जाएगा, ऊपर ऐसे ही रहेगा। अब इसको मैंने बड़ी वैल्यू को पहले लिख दिया, अब इसका भी रैशनलाइज कर देते हैं बच्चों, प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं यही वैल्यू लिख कर, तो अब ये भी ए प्लस बी माइनस बी, फिर से वही वाला जैसे ऊपर था ए प्लस बी ए माइनस बी था, अब यहाँ भी फिर से वही बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वही ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट टू रूट पंद्रह का स्क्वायर और माइनस में वन का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही इसके भी मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, तो बच्चे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आप देखिए आप ध्यान से समझेंगे, एक सेकेंड आपको मैं समझाता हूँ, तो आप देखिए क्या किया है भाई, थ्री की मल्टीप्लाई टू रूट फिफ्टीन से करेंगे तो भाई तीन की रूट तीन की रूट पंद्रह से गुणा करेंगे तो 45 आएगा, रूट पंद्रह रूट पैंतालीस, तो दो गुणा में रूट पैंतालीस आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा नज़दीक कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे रूट तीन की रूट पंद्रह से गुणा करेंगे तो रूट पैंतालीस, दो पहले से था यहाँ पर दो लगा दिया, फिर रूट तीन की अब माइनस वन से करेंगे तो माइनस में रूट तीन, रूट फाइव की मल्टीप्लाई टू रूट फिफ्टीन से करेंगे तो पंद्रह पंजे पचहत्तर होता है तो रूट में टू रूट सेवेंटी फाइव हो गया, रूट्स फिर रूट फाइव की माइनस वन से करेंगे तो माइनस में रूट फाइव, फिर ऐसे ही माइनस में रूट सेवन की पंद्रह से करेंगे तो पंद्रह सत्तर एक सौ पाँच होता है तो रूट में एक सौ पाँच आएगा और दो तो बाहर रहेगा ही रहेगा, रूट सेवन की माइनस रूट सेवन मल्टीप्लाई माइनस वन तो प्लस का सेवन होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बनते हैं। नीचे देखो दो का स्क्वायर चार होगा, पंद्रह का रूट पंद्रह है तो ये पंद्रह बन जाएगा, तो पंद्रह चौक साठ, साठ आ गया यहाँ पे एक, 59 आ गया नीचे घटाने पे, ऊपर देख लीजिए भाई रूट ये 45 है, इसको लिख देंगे तीन गुना तीन पाँच, तीन तीन नौ, नौ पंच पैंतालीस, तीन का पेड़ बन रहा है, ऐसे यहाँ पे रूट तीन ऐसे आ गया माइनस में, यहाँ देखिए पचहत्तर को पाँच गुना पाँच तीन तो पाँच भरा जाएगा, ऐसे बाकी कुछ नहीं बन रहा, बाकी ऐसे छोड़ देंगे। तो बच्चों अब देखिए यहाँ से तीन पेड़ बाहर बन रहा है तो तीन तीन दुनी छः रूट पाँच हो जाएगा, माइनस रूट तीन ऐसे हो जाएगा, पाँच भरा गया तो पाँच दुनी दस रूट तीन हो गया, ये माइनस रूट पाँच ऐसे आ गया, ये बाकी ऐसी वैल्यू आ गई, तो ये रूट पाँच छः रूट पाँच है और एक रूट पाँच ये रहा, ये माइनस में ये प्लस में तो घटा देंगे तो पाँच रूट पाँच आएगा। ठीक है, फिर ये माइनस रूट तीन है ये दस रूट तीन है तो यहाँ एक मानते हैं तो इसको घटा देंगे तो नौ रूट तीन बचेगा और इसकी वैल्यू ऐसी कैसी आ जाएगी, रूट सात ऐसे कैसे जाएगा, ये हो गया ख़त्म। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 75, ए तथा बी का मान ज्ञात करना है और ये वैल्यू है,
तो इसको करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आप ध्यान से देखिए, ये है तो ये इसको मान लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये मानेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया हमने, इसको 2 - √5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में लिखकर, 2 + √5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में लिखकर, यहाँ माइनस है इसलिए मैंने यहाँ बड़ा ब्रैकेट भी बनाया है। अब देखो यही a + b - b है, तो 2 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर कर दिया, a + b - b का फॉर्मूला क्या था, a² - b² यहाँ भी इसको देखो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 7 की √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√5 माइनस में 3√5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6√5 हो जाएगा, 3√5 की मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो 5 से ये देखो ये 5 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये 15 बन जाएगा अगले स्टेप में जाके। ऐसे ये माइनस ऐसे छोड़ दिया, बड़े ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं इसको, 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 14, 3 फिर 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 7√5 माइनस 3√5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -6√5 माइनस 3√5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो माइनस में √5 - √5 बड़ा ब्रैकेट बनता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये 7√5 है और ये 6√5 है, तो ये सेम है, बस प्लस माइनस का तो घटा देंगे, माइनस का √5 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 7 की है। फिर ये हमारा 5 आ जाएगा तो ये 5 * 3 = 15 बन जाएगा। देखो अगले स्टेप में दिखाता हूँ मैं बच्चों आपको, तो आप देखिए यहाँ पे 14 ऐसे ही आ गया और -√5 ये 15 बन गया। अंदर भी बच्चों देखो ऐसी है, 14 ऐसी है, ये घटा दिया इसमें से 5√5 प्लस में आएगा, इसमें आएगा ये 15 बन जाएगा। यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के सबके साइन चेंज कर देगा, उल्टे कर देगा, 14 प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, √5 प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो ये प्लस में हो गया, तो साइन सबके उल्टे हो गए, 14 से 14 कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस में, -√5 - √5 प्लस हो जाएंगे माइनस में, नीचे माइनस अभी बताता हूँ, नीचे माइनस चल रहा है हमारा क्योंकि 2 * 4 और √5 माइनस में, तो माइनस में 1 आ गया तो माइनस 1 चल रहा है नीचे, -5 - 5 माइनस में 2 √5 आ गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2√5 हो गया। अब आप देखिए 2√5 जो है वो इक्वल हो गया a + b√5 से, a तो हमारा कोई दिख नहीं था यहाँ पर कहीं भी कोई वैल्यू, सिंपल वैल्यू तो 0 हो गया, तो √5 b है तो यहाँ पर √5 के आगे 2 है तो यहाँ पर b है तो b की वैल्यू 2 हो गई। तो बच्चों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, मेरी वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।